हेलो एंड वेरी वेलकम एवरीवन टू दिस कॉन्सेप्ट वीडियो। सो आज है थर्सडे फिर से और थर्सडे को मेरी एक छोटी सी वीडियो आती है। सो हियर आई एम वंस अगेन बैक विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वीडियो। सो आज के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग दैट इप्सेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। सो ये इप्सेटिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट 2020 में हमसे पूछा गया था, 2019 में भी हमसे ये क्वेश्चन आया था इप्सेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द इप्सेटिव इवैल्यूएशन। इप्सेटिव इवैल्यूएशन का इप्सेटिव का मतलब होता है ऑफ द सेल्फ, दैट मीन्स जब हम खुद का इवैल्यूएशन करें, हम अपना ही इवैल्यूएशन जब अपने पास्ट रिकॉर्ड से करते हैं तो ये इप्सेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। सो दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स ओन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट आपका जो इवैल्यूएशन होता है दैट इज इप्सेटिव इवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, आज के आपके टेस्ट रिकॉर्ड्स को मैं कंपेयर, मैं इवैल्यूएट करना चाहती हूं, तो इसका कंपैरिजन मैं आपके ही पास्ट डेटा से कर रही हूं, पास्ट रिकॉर्ड से कर रही हूं, ताकि ये पता लगा पाऊं आप इंप्रूव हुए हो या नहीं हुए हो। तो ये आपका इप्सेटिव इवैल्यूएशन होता है। इप्सेटिव इवैल्यूएशन वो जहां पे आपका असेसमेंट आपके ही प्रीवियस स्टैंडर्ड से हो रहा है, कंपैरिजन आपके ही प्रीवियस स्टैंडर्ड से हो रहा है, राइट। सो जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछा गया था। हमसे क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन दिए हुए थे जिनको हमें मैच करना था। सो यहाँ पे क्राइटेरियन है, नॉर्म है, डायग्नोस्टिक है एंड इप्सेटिव है। सो इप्सेटिव क्या होता है? अपनी ही परफॉर्मेंस को अपने पास्ट रिकॉर्ड से कंपेयर करना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 measures the performance of student against the previous performance from that student. So this is definitely ipsative evaluation. Criterion में standards होते हैं, so here you have standards. Norm में आपकी comparison होती है group के साथ, so this will be the answer for the norm. Criterion हो गया standards and diagnostic में हम weakness, strength इनका पता लगाते हैं, so therefore diagnostic का होगा आपका option number 4. So what will be the correct answer? A2. So this is A2, right? Next, B3. So where do we have B3? That means D correct hai, hai na? Diagnostic D, C4 hona chahiye and D1 hona chahiye. So the correct answer is option number D. हिंदी में भी इसी क्वेश्चन को एक बार देखेंगे तो आपका जो इप्सेटिव इवैल्यूएशन वो होगा बच्चों के पूर्व प्रदर्शन के साथ बच्चों के करंट प्रदर्शन को कंपेयर करना। सो दिस इज सिंपली इप्सेटिव इवैल्यूएशन एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। सो आई होप ये छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इप्सेटिव का मतलब है ऑफ द सेल्फ, मतलब जब हम अपनी ही परफॉर्मेंस से अपनी करेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करके ये पता लगाएं, इवैल्यूएट करें कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है या इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। सो दिस इज इप्सेटिव इवैल्यूएशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। मेक श्योर कि वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर से बताना कमेंट्स में, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के एंड थोड़ा सा मोटिवेशन भी आता है कि इस तरह का वीडियोस आपके लिए और बनाऊं। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि आप सेशन को लाइक कर देना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहुंच सके। मेक श्योर कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे इस तरह के छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वीडियोज एज वेल एज लाइव क्लासेस आपके लिए आते रहते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच।